सड़कें हैं वो गड्ढों से आज़ादी मांगती हैं, नशे की गिरफ्त से दूर हो जाएंगे, आपके सिर पर कर्जा नहीं होगा, सड़कें अच्छी होंगी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो इसे इतनी धूमधाम से मना रहे हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस है और 75वां नहीं, हर स्वतंत्रता दिवस अपना विशेष महत्व रखता है। ये हमें भारत की उस संस्कृति, शहीदों की उन याद से जोड़ देता है जिन्होंने हम अनुभव नहीं कर सकते किस तरह अपने बलिदान देकर हमें आज आज़ादी की सांस लेने दी है आज हमारे पास। जी जी, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज़ादी तो उनके बलिदान ने हमें दिला दी 75 साल पहले, वो एक बड़ी आज़ादी थी, लेकिन अभी भी छोटी छोटी आज़ादी हर दिल मांगता है। और मैं बात आपने मेरे से कही कॉमन मैन, तो मैं आम आदमी की बात करूंगा कि आम आदमी को छोटी छोटी अभी भी उसे लगता है कहीं ना कहीं वो जकड़ा हुआ की बात है, ये खाली सी की नहीं। सड़कें हैं वो गड्ढों से आज़ादी मांगती हैं, सरकारी दफ्तर हैं वो भ्रष्टाचार से आज़ादी मांगते हैं, युवा पीढ़ी जो है मैं आप देख सकते हैं कि किसी भी शहर में, रुड़की की बात करूं तो नहर किनारे नशे की गिरफ्त में छोटे छोटे बच्चे हैं, नशे की लत से आज़ादी मांगते हैं, छोटे छोटे दुकानदार जिस जो लॉकडाउन में जिनका काम बिगड़ गया है, कर्जा सिर पे चढ़ गया है, किसान है वो कर्जों से आज़ादी मांगते हैं, कितनी ही इस तरह की अस्पतालों में जो है वो कितने मरीज हैं वो आज़ादी मांगते हैं उस बीमारी से। आपसे इंटरव्यू करने से पहले मैं मास्क उतारा है फिर पहन लूंगा, ये जो फेस मास्क है जो मैंने भी उतारा हुआ इंटरव्यू देते हुए फिर पहन लूंगा, लेकिन मैं इससे भी आज़ादी मांगता हूँ, मैं पूरा विश्व आज़ादी मांगता है, ये प्रतीक है मास्क की, अगर आज़ादी मिलेगी इसका मतलब कोरोना पूरी तरह से दूर हो गया है। तो ये छोटी छोटी आज़ादी, चाहे वो सड़कों की हो, भ्रष्टाचार की हो, ये जो गलियों पानी में जल भराव हो जाता है पानी बरसातों में, इससे आज़ादी मांगता हूँ। और ये आज़ादी कैसे मिलेगी, बड़े आंदोलन तो चले थे, छोटे छोटे आंदोलन आम आदमी को चलाने पड़ेंगे प्रयास के लिए। ये जो सोशल मीडिया है, साइट है, अगर इस पे हम प्रयास करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों से संवाद जारी रखेंगे, सरकार को सचेत करते रहेंगे, तो यकीन मानिए अगर आप ये काम कर रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में भी, तो भी आप जो है इस एक किसी आंदोलनकारी से कम भूमिका नहीं निभा रहे हैं देश हित में। तो आप सचेत करते रहिए, आपके प्रयासों से ये सब चीजें दूर होती रहेंगी, देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा, और जब इन आजाद इन गुलामी की